नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे आपको ऐसा जादुई नुस्खा, एक ऐसा सनस्क्रीन जो अब गर्मी के दिन जो आने वाले हैं इसमें आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, रामबाण काम करेगा। हम लोग बाजार में जाते हैं, सनस्क्रीन खरीदते हैं और आप ये एहसास करेंगे कि 80% लोगों के वहाँ सनस्क्रीन लगाने पे जलन होने लगती है। अरे, धूप की रोशनी से आपको जलन मिले तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसे 80% लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ सनस्क्रीन लगाने से ही जलन होने लगती है, क्योंकि वह जानते हैं कि उसमें जिंक ऑक्साइड मिला है, वह जानते हैं कि उसमें हार्मफुल पेनिट्रेशन जो आपका SPF 30 तक का पेनिट्रेट कर जाते हैं, वह हार्मफुल केमिकल्स मिले हैं, बेंजोइट मिला है, तमाम केमिकल मिले हैं और वह आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई रिसर्च यह भी कहती है इसमें कई ऐसे तत्व हैं जिनसे आपको स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो एक आप सन की रेस को रोकने के लिए, उससे स्किन कैंसर से बचने के लिए आप जो है पहले से ही एक ऐसा सलूशन लगा रहे हैं जो आपका संभावित कॉज हो सकता है स्किन कैंसर का। यह सब में नहीं है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कई रिसर्च इसके विषय में बात करती है। हम आपको बताएंगे ऐसा सनस्क्रीन जो आप घर में बना सकते हैं और जो रामबाण है, जो सनस्क्रीन ही नहीं है, आपके चेहरे को भी चमकाने का माध्यम है, आपके चेहरे को सुगंधित स्किन को बनाने का माध्यम है, ड्राई स्किन को ख़त्म करने का माध्यम है, स्किन को नरिशमेंट करने का माध्यम है और आपको स्वस्थ रखने का माध्यम है। और यह सारी चीज़ें मात्र 5 रुपए के नुस्खे में। आपकी गर्मियाँ जो है वह पहले से और खूबसूरत बीतेंगी, खूबसूरत इन द सेंस रिलैक्स्ड बीतेगी और इसी के तहत हम आपको यह सनस्क्रीन बताएंगे। बहुत कारगर नुस्खा है साथियों और उन चीज़ों का नुस्खा है जो आपके यहाँ मौजूद है घर पे। मैं फिर निवेदन करूंगा, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ, कि यह जो बाजार में सामान उपलब्ध है यह मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है। आप सोचिए, एक बॉलीवुड की हीरोइन जो स्वयं आडी मर्सिडीज में बैठ के चलती है, चारों तरफ उसके काले रंग के पर्दे कार में लगे रहते हैं, वह जो है स्टूडियो में उतरती है, एयर कंडीशनड स्टूडियो के अंदर प्रवेश करती है, वहाँ पे एक बड़े से लैंप को दिखा के फोटो खिंचाती है जिसको कहा जाता है साफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जो है वह देखिए, वह सनस्क्रीन से बच रही है और वो महिला फिर वहाँ से वापस जाती है। बॉलीवुड या हॉलीवुड, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर आदमी की रोजी रोटी आदमी पैदा करे, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है दूसरा क्या कर रहा है बहुत महत्व नहीं है। उसके बाद वो जो हीरोइन होती है, अदाकारा होती है, वह उस स्टूडियो से निकलती है, फिर छाई में ही उसकी मर्सिडीज शैडो में खड़ी रहती है, ऑडी खड़ी रहती है, उसमें बैठती है, फिर अपने महल रूपी घर में चली जाती है और वहाँ पर वो यही सब नुस्खे करती है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बेस्टी क्या है? बेस्टी है वह सनस्क्रीन जो 800-900 रुपए का होता है। आप लोग SPF की डिबेट में ही लगे रहते हैं कि कौन सा SPF अच्छा है, कौन सा क्या है, उसके इंग्रीडियंट्स को देखते हैं, चाहे समझ में केमिकल ना आए लेकिन देखते ज़रूर हैं। अब आपके घर में अगर कोई क्रीम पड़ी हो साथियों, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सनस्क्रीन पड़ी हो, आप उसका एक बार जो उसमें केमिकल्स दिए हैं उसको गूगल ज़रूर करिएगा और इस वीडियो में आपको जो नुस्खा बता जा रहा है उसके न्यूट्रिएंट्स को भी आप गूगल कर लीजिएगा, फिर आप स्वयं देखिएगा आपके आपके बच्चों आपके परिवार के लिए क्या अच्छा है। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि आपको नई नई चीज लाऊं। इसी श्रृंखला में आपके लिए आज मैं जादुई सनस्क्रीन लाया हूं। 5 रुपए का यह सनस्क्रीन आपके चेहरे को हमेशा के लिए चमकाएगा भी, धूप से भी बचाएगा, पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, ड्राई स्किन को खत्म करेगा और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको जादुई नुस्खा। आपको साथियों घर में सनस्क्रीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ जो है 2 से 4 संतरा लेना है, ऑरेंज 4-6 आप ऑरेंज ले लीजिए, 2-4-6 जितने हो संतरे ले लीजिए। संतरे का जो है आपको जो ऊपर की जो स्किन ऑरेंज कलर की जो स्किन होती है, उसकी जो कवरिंग होती है, उसकी जो खाल होती है, उसका जो ऊपर का पोर्शन है, जो ऑरेंज पोर्शन है, उसको जो ग्रेडिंग वाला कोई भी आपके पास सामान हो जिससे आप पनीर वनीर ग्रेड करते हो, आते हैं स्टील के पनीर वनीर जिससे ग्रेड करते हो, उससे या फिर कुछ ना हो तो चाकू से आप उसके ऊपर के छिलके को
खरोच लीजिए, छील लीजिए, इसको जेस्ट कहते हैं। इस जो खुरचन है इसको आप ले लीजिए, यानी जो ऑरेंज है उसके चारों तरफ का ऊपर का जो पील होता है, अंदर सफ़ेद वाली खुरचन ना आने पाए, जो ऑरेंज होता है बाहर का, ऑरेंज कलर का जो ऑरेंज कवरिंग होती है उसको आप निकाल लीजिए और उसको आप रख लीजिए। अब आप करिए ये कि सबसे पहले आप एक पतीला लीजिए, एक बाउल लीजिए, एक वो एक क्या कहते हैं भगोना लीजिए, उस भगोने में आप पानी भर लीजिए, उस पानी को बॉईल कर लीजिए, उस भगोने के अंदर एक छोटा भगोना रखिए जिसमें कि आप कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल डाल लीजिए, यानी कि आप जो है 6, 8, 10 बड़ा चम्मच जितना आपकी ज़रूरत हो, 10 या खपत हो जिस हिसाब से आपकी खर्चा हो उसका, 10 चम्मच आप बड़ा चम्मच टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल लीजिए और वहाँ जो आपने खुरचन निकाली है, जेस्ट जिसे कहते हैं, ऑरेंज की जो पील निकाली है उसको आप उसी कोकोनट ऑयल में डाल दीजिए, यानी एक भगोना बॉईल कर रहा है, भगोने के अंदर एक छोटा भगोना है जिससे आपको डायरेक्ट हीट ना दें, मकसद ये है कि जो आपका ऑरेंज है और कोकोनट का तेल आग पकड़ लेता है तो आपको उसके अंदर वो आग नहीं पकड़ेगा, तो उस पानी जो आपका जग है, पानी का जो भगोना है उसके अंदर जो छोटा भगोना है उसमें कोकोनट ऑयल और वहाँ जो आपने ऑरेंज की पील की खुरचन इकट्ठा करी है उस खुरचन को डाल लीजिए, उसको आप 20 मिनट तक बॉईल कर लीजिए, 20 मिनट्स तक उस पानी को उबलने दीजिए, पानी में तेल को उबलने दीजिए, 20 से 25 मिनट बाद उसको आप निकाल लीजिए और एक काम करिएगा उसमें एक पिंच भर, बहुत चुटकी भर हल्दी यानी टर्मरिक डाल लीजिएगा। तो तीन चीज़ें हो गई, आपकी ऑरेंज पील जिसको जेस्ट कहते हैं जब उसकी ऊपर की पीलिंग होती है, दूसरी चीज़ कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, और तीसरी चीज़ पिंच भर गांठ वाली हल्दी जो आप एक दो गांठ ले आइए, सिर्फ 50 पैसे 10-1 रुपए की मिलेगी, उसको पीस लीजिए, पीस के वो चुटकी भर उसमें हल्दी डाल दीजिए, 25 मिनट उसको बॉईल करने के बाद उसको आप स्टोव पर से गैस पर से उतार लीजिए और उसको आप छान लीजिए। छानने में आपको बड़ा अच्छा सा ऑरेंज कलर का एक कोकोनट ऑयल तैयार हो जाएगा, यह जो है आपको सनस्क्रीन के रूप में काम करेगा, आपको यह धूप से भी बचाएगा। कोकोनट का SPF 5 होता है और कोकोनट ऑयल का SPF 5 होता है, टर्मरिक का SPF और यह जो ऑरेंज है यह सब मिलके इसको 5 का 50 कर देंगे। आप 5 की संख्या पे ना जाइएगा, जब इसमें टर्मरिक मिल जाएगा और जब ऑरेंज पील का जेस्ट मिल जाएगा तो यह 50 SPF के बराबर काम करेगी, इतना अच्छा काम करेगी आपकी स्किन पे। आप इसको 2 महीने तक प्रिपरेशन को रख सकते हैं, तो आप इतना प्रिपरेशन बनाएं इस हिसाब से कि 2 महीना तक चल जाए और आप इसको लगा के बाहर निकलिए, धूप में निकलिए, तो कोशिश तो करिए चेहरे पे कवरिंग रखिए, लेकिन किसी समय नहीं भी हो पा रही है तो यह जो आपका मैजिकल फार्मूला है, कोकोनट ऑयल प्लस टर्मरिक प्लस ऑरेंज पील, यह जो है संतरे की पील, यह जो है आपके चेहरे पे एक आभा लाएगी, चमक लाएगी, आपको सनस्क्रीन से बचाएगी, आपकी स्किन के तमाम ट्रबल्स को त्वचा के ख़त्म करेगी और आपको चमकाती रहेगी। आप इसको करिएगा साथियों, इस सनस्क्रीन को जादुई, और हमको बताइएगा और आप फ़ोटो भी हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जो लोग साथी ये सनस्क्रीन को बनाएं वह फ़ोटो भी हमारे व्हाट्सएप पर पूछें, हमें अपना प्रयास सफल होता नज़र आएगा अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप कमेंट पोर्शन में लिखिए ताकि समाज को इसके बारे में पता लग सके, सजगता हो सके। मन में कोई क्वेरी हो साथी हो तो हमें आप क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में लिख सकते हैं। वीडियो साथियों अगर आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और साथियों को परिवार में रिश्तेदारों में प्रेरित करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपकी साथियों गर्मियां बहुत अच्छी बीते, बच्चों के साथ आप खूब घूमें। यहां पर मैं कहना चाहूंगा एक दिन मान लीजिए संडे थर्सडे फ्राइडे जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती हो एक दिन अपने परिवार के लिए जरूर रखिए और धूप पे घूमिए सबको नारियल का तेल लगा के। एक और फायदा है साथियों इसका कि यह आप पूरे शरीर पे लगा सकते हैं, जो आप क्रीम होती है उसको आप केवल चेहरे पे लगाएंगे लेकिन यह जो
आपका मिक्सचर है ऑरेंज पील, कोकोनट ऑयल और टर्मरिक, इसका जो मिक्सचर है इसको आप पूरे शरीर पे लगा सकते हैं। और सनस्क्रीन से बच के अगर गोवा साइड है तो सी बीच का आनंद लीजिए, और अगर किसी शहर में है अपनी छत पे आनंद लीजिए, या पार्कों में या नदी किनारे आनंद लीजिए। धूप से ना डरिए, हमने आपको विकल्प दे दिया। वीडियो साथियों आगे बढ़ाइएगा, ये आपसे निवेदन है। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।